चलिए बनाते हैं गार्लिक भिंडी। तो इसके लिए एक बाउल में मैंने यहाँ पे ऐड किया है चिली फ्लेक्स, नमक, साथ में यहाँ पे हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और इसे कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे मैंने भिंडी लिया, इसे धो के मैंने अच्छे से स्मॉल पीसेस में कट कर दिया है, और अब इसे कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे ताकि इसका जो मसाला है अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाए। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गरम करके मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चॉप्ड गार्लिक, बहुत सारा 6-7 चॉप कर लिया है मैंने यहाँ पे क्लॉव्स को। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन चिली चॉप करके ऐड कर रही हूँ, साथ में मैंने एक स्मॉल साइज़ का प्याज को चॉप करके ऐड किया है। सिर्फ गार्लिक को ब्राउन होने तक कुक करना है, प्याज को नहीं। प्याज तो भिंडी में भी अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज डालने के बाद कुछ सेकंड के बाद भिंडी डाल दिया और उसे कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा थोड़ा देर पे इसे कुक करूँगी। और अब ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे नींबू का रस ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद मिक्स करके सर्व करें रोटी, चावल, दाल किसी के भी साथ, ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है।